आप सभी का स्वागत है इंडिया गेमिंग में। मैं हूँ AK22 और आज मैं बात करने वाला हूँ माइंडकॉन 2017, उसमें क्या हुआ और एक्वाटिक अपडेट जो आने वाली है 2018 में उसके बारे में। तो सिट बैक एंड एंजॉय। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉब ए की, जो है द मॉन्स्टर ऑफ द ओशियंस डेप। ये स्पॉन होता है डीप ओशियंस में। अगर आप इसकी जंगल में फंस जाते हैं तो ये आपको इसकी लंबी जो जिबान है, टेंटिकल है, उससे पकड़ता है और नीचे खींचता है ओशियन की तरफ, डीप सी में ले जाने की कोशिश करता है आपको। और ये आगे बढ़ता है, इसके जो चार दांत हैं, जॉस कह सकते हैं आप उसको, उसकी मदद से आगे बढ़ता है। पर ये फाइनल वोटिंग में नहीं आया है तो ये बाहर हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं मॉब पी की तरफ। मॉब पी जो है ये है मॉन्स्टर ऑफ द नाइट स्काई, मैंटा रे। जो मैंटा रे ओशियंस में रहती है, वही उसके जैसा ही मॉडल है इसका, जो कि अब आसमान में उड़ेगा और ये ग्रुप्स में घूमेंगे। और जैसे कि आप माइनक्राफ्ट खेलते हैं और सोते नहीं हैं, यानी कि आप माइन करते रहते हैं और अगर आप बेड पे जाके सोते नहीं हैं तो ये उन्हीं को पकड़ता है जो बहुत दिनों तक सोए नहीं है, और ऊपर से हमला करता है ग्रुप्स में और आपको डैमेज देता है। तो वो देखना पड़ेगा कि कैसे स्पॉन होते हैं। अगर आप सो रहे हैं रेगुलरली तो शायद ये स्पॉन ना हो, अगर आप बहुत दिनों तक सोए नहीं तो ये रैंडमली रेगुलरली स्पॉन होंगे शायद आपके आसपास, और एक पूरे एक झुंड में रहते हैं और इस झुंड में शिकार करते हैं, तो बच के रहिएगा। ओके, तो ये है मॉब बी जो कि सिलेक्ट हो चुका है द एक्वाटिक अपडेट के लिए। जब भी ये अपडेट आएगी तो आपको ये मॉब देखने के लिए मिलेगा। मैंने भी इसी मॉब के लिए वोट करा था, यानी कम से कम चार वो थे जो माइनकॉन अर्थ में जो पैनल था इसका वोटिंग का, उसमें चार बार थे। तो जिसमें चारों में से जिसको सबसे कम वोट मिलते थे वो एक बार बाहर हो जाता था, फिर वापस वोटिंग होती थी, फिर तीसरा बाहर, फिर उसके बाद लास्ट में दो बचे थे उनके लिए फिर अलग से वोटिंग हुई। तो उसमें याला मॉब जीता है मैंटा रे। इसको मैं देखना चाहता था क्योंकि अभी फ़िलहाल में एक भी ऐसा मॉब नहीं है जो माइनक्राफ्ट में जो स्काइज में उड़ता हो, जिसमें हमें स्काइज से डर लगे बाहर घूमने में। हम हमेशा नीचे ज़मीन पे घूमते रहते हैं, नेदर में रहते हैं, वहाँ पर हैं मॉब्स, पर स्काइज में ये पहला मॉब होगा जो स्काइज में रहेगा। ओके, तो चलते हैं मॉब सी की तरफ। ओके, मॉब सी द ग्रेट हंगर, ये एक छोटा सा मॉब है जिसका मुंह बहुत बड़ा है। ओके, तो ये भी ऐड नहीं हुआ, ये भी बाहर हो चुका है क्योंकि इसको इतने वोट नहीं मिले, सेकंड नंबर पे था ये। पर तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा है जो कि एन्चेंटेड पावर खाता है ये, यानी कि जो भी आइटम्स इसके ऊपर गिरते हैं वो खा लेता है ये, और किसी आइटम में अगर एन्चेंटेड पावर्स हैं तो उसको रिमूव कर देता है, और किसी आइटम में आपको पावर डालना है तो उसको भी डाल देता है। कैसे यूज़ होता है अब हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बाहर हो चुका है इसलिए। तो इसका मेन वही है कि अगर जो भी इसके ऊपर आइटम ड्रॉप होते हैं वो इसको कंज्यूम कर लेता है, यही इसकी एपेटाइट रहती है। ओके, तो ये है मॉब सी जो कि बाहर हो चुका है। अब चलते हैं मॉब डी की तरफ। ओके, तो मॉब डी है द हॉवरिंग इन्फर्नो, ये ब्लेज का बाप है, द मास्टर ऑफ ब्लेज। दिखता ये ब्लेज जैसा नहीं है, थोड़ा इसका टेक्सचर रेड कलर का है, ये मूव ब्लेज की तरह ही करता है, पर इसके चार मूविंग पार्ट हैं जो मिडल ब्लॉक को प्रोटेक्ट करते हैं एज अ आर्मर, चार ब्लॉक इसको रोटेट करते हैं, और शायद इसके जो हेड है उस पर भी एक आर्मर लगा हुआ है। तो और इसका जो अटैक है वो एक स्प्लैश डैमेज है, वो उसके इतने रेडियस में देता है वो स्प्लैश डैमेज। और इसका जो स्पॉन है वो नेदर में रहता है, ये ब्लेज के अगर ग्रुप रहते हैं तो उसके बीच में स्पॉन होता है ये।
तो ये काफ़ी स्कैरी मॉब है, पर ये भी ये सब शायद सबसे पहले बाहर होने वाला मॉब यही है, मॉब डी, जो कि सबसे पहले बाहर हुआ है वोटिंग में, तो उसको भी हम देख नहीं पाएंगे। एक शॉक वेव का अटैक है इसका, तो इसके लिए आपको फ्लेम प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है अगर आपको बचना है तो इससे। पर ये भी बाहर हो चुका है तो इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी, गेम प्ले भी नहीं देखने मिलेगा। ओके, तो ये थे चार मॉब्स, होवरिंग इन्फर्नो, द ग्रेट हंगर, मैंटा रे, और फर्स्ट वाले का नाम क्या था, उसका नाम था डेप्थ ऑफ मॉन्स्टर ऑफ ओशन डेप्थ। तो उसमें से सिर्फ एक ही चूज हुआ है, वो है द मैंटा रे, मॉन्स्टर ऑफ द नाइट स्काइज। तो ये चार, ये एक मॉब आएगा अपडेट एक्वाटिक में। तो चलिए अब और बात करते हैं कि माइनकॉन अर्थ में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। तो चलिए बात करते हैं अपडेट एक्वाटिक की जो आने वाला है 2018 में। द फर्स्ट फीचर है इसका, वो है बबल कॉलम्स। अगर आप पानी में मैग्मा ब्लॉक्स लगाते हैं तो उसके ऊपर बबल्स निकलेंगे, और बबल्स जितना जितने एरिए में आपने मैग्मा ब्लॉक्स लगाए हैं वो पूरे एरिए में बबल्स निकलेंगे, बबल का इफेक्ट आएगा। और उस एरिए में अगर आप कुछ भी चीज़, अगर आपकी नाव भी उस एरिया से ऊपर से जाती है तो वहाँ पर से वॉबल करती है, बॉयंस फोर्स वहाँ पर बहुत कम हो जाता है, यानी कि आप ऐसा लगेगा कि आप डूबने वाले हैं, और कोई जो भी चीज़ अगर आप वहाँ पर फेंकेंगे तो वो सीधे सीधे बॉटम पे जाएगी। तो ये एक आप एक कॉन्ट्रैप्शन की तरह भी यूज़ करते हैं, अगर आपके स्विमिंग पूल में एक आपके पास घर के पास एक स्विमिंग पूल है तो आप उसे लगा सकते हैं, उसमें आप नीचे मैग्मा बॉक्स ब्लॉक्स लगा दीजिए तो एक बढ़िया सा इफेक्ट, बबल इफेक्ट आएगा और वॉबलिंग इफेक्ट भी आएगा शायद उसके सरफेस पे, तो ये आ सकता है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ओके, तो बात करते हैं अब नए वेपन की जो आने वाला है, वो है ट्राइडेंट यानी त्रिशूल, जो माइनक्राफ्ट एक्वाटिक अपडेट में आएगा, क्योंकि एक्वामैन बनना चाहते हैं, अगर आप बनना चाहते हैं एक्वामैन तो आप ट्राइडेंट लेके घूमिए समुद्र में और हंट करिए गार्जियंस को। तो ट्राइडेंट आने वाला है, एक मेले वेपन है और एक थ्रोएबल वेपन भी, अगर आप इसे थ्रो करते हैं तो जाके सीधे मॉब को लगेगा, और ये वन यूज है, अगर आप थ्रो करते हैं तो वापस नहीं आता है। अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक एन्चेंटमेंट है लॉयल्टी, जैसे आपने फेंका तो वो अगर लगता है उसे तो फिर लौट के आपके हाथ में आ जाएगा वो, तो एक लॉयल्टी एन्चेंटमेंट है, ये भी नया आने वाला है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा एन्चेंटमेंट है, अगर आप थ्रू वेपन है इसको जब आप बस लेफ्ट क्लिक कीजिए और थ्रू करता है और ये आपके हाथ में वापस आ जाएगा अगर आपका वेपन एन्चेंटेड है लॉयल्टी के साथ। और एक और एन्चेंटमेंट आने वाला है जो कि है रेप्टाइड, अगर आपने इसको पकड़ के रखा है अगर आप थ्रू करते हैं तो उसी के तहत में आपका जो प्लेयर मॉडल है या प्लेयर है वो आगे की तरफ डैश करेगा, या अगर आप इसे ऊपर फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो ऐसा ऊपर जंप करेगा, अगर आपने लाइट्रा पहन के रखा है तो उससे आप फ्लाइट भी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये अभी दो एन्चेंटमेंट पता लगे हैं, एक तो लॉयल्टी और रेप्टाइड जो आप यूज़ कर सकते हैं इस वेपन के साथ। और एक और चीज़ कि आप इसे पानी में ही यूज़ कर सकते हैं, अगर रेन हो रही है तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नया वेपन है ट्राइडेंट त्रिशूल, जो कि आने वाला है न्यू अपडेट में, देखते हैं इसको कैसे खेल सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ओके, तो ये अपडेट मेरी सबसे फेवरेट है कह सकते हैं, क्योंकि जो ओशंस हैं वो एकदम सुने सुने से लगते हैं, जो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में एकदम खाली लगते हैं। अगर मैं होमस्टेड खेल रहा था तो मैंने भी उसमें बोला था कि फ़िश होना चाहिए, एक फ़िश मॉडल होना चाहिए, जैसे केव्स में बैट्स रहते हैं वैसे फ़िश होना चाहिए और एक्वाटिक प्लांट्स होना चाहिए। तो एक्वाटिक अपडेट में ये आने वाला है, वहाँ पर आपको एक्वाटिक प्लांट्स मिलेंगे और फिशेस मिलेंगे, जितने भी फिश है, सैमन है, पफर फिश है, क्लाउन फिश है, और जितनी भी और भी फिशेस आने वाली हैं वो भी अनाउंस किया गया है। तो उसमें एक मॉडल रहेगा, जैसे जो बैट्स रहते हैं वो कैसे स्पॉन होते हैं रैंडमली, वैसे ही ये भी स्पॉन होंगे ओशियंस में। अगर आप ऐसे उसको पकड़ नहीं सकते, अगर आप उनको बकेट है आपके पास और अगर जिस ब्लॉक में वो फिश है उस ब्लॉक को आपने कैरी करा है, अगर बकेट से उठाए तो आपके वो बकेट में आ जाएगी। अगर आपने उसे कहीं पर डाला, जैसे ब्लॉक बना के उसको उस वाटर को वहाँ पर डाला है, तो वो यानी कि वो फिश है जो वो उसमें चली जाती है उस ब्लॉक के अंदर। तो ऐसा आप एक्वेरियम भी बना सकते हैं इसका, जैसे कि हम मेरी जो मेन सीरीज में उसमें मैंने जो मेन घर है उसके जस्ट ऊपर मैंने एक स्विमिंग पूल बनाया है, तो मैं उसके अंदर ये फिश डालने वाला हूँ अब। यस, तो इसी का मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये चीज़ होना चाहिए जो कि मॉड्स में आती है, कितनी सही सही चीज़ें रहती वो इसमें आएगी तो बड़ी शानदार लगेगी। ओके, तो ये थी, और इसमें बहुत सारी फिशेस आने वाली है, ऐसा नहीं कि एक दो ही रहेगी, और काफ़ी सारे एक्वाटिक प्लांट्स भी रहेंगे इसमें।
तो ये मेरी फेवरेट अपडेट है इसमें, एक्वाटिक अपडेट में। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और एक है वाटर अपडेट जो कि आने वाली है, जिसमें जैसे कि आप फेंसेस लगाते हैं उसके बीच में अगर आप वाटर रखते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है और एक एयर स्पेस बन जाता है उसके बीच में। अगर आप फेंसेस लगाते हैं और आप वाटर डालेंगे एक्वाटिक अपडेट में, तो वो क्या है, जो वाटर है वो फेंसेस के थ्रू नीचे जाएगा। जैसा कि आपने देखा अगर आपने खेला है, तो फेंसेस ब्लॉक कर देता है वाटर ब्लॉक को, तो ऐसा नहीं होगा। अब वो उसके फेंसेस के नीचे जाएगा, और फिजिक्स भी है उसमें। अगर आप उसमें डालते हैं कोई आइटम तो फेंसेस को क्रॉस करके वाटर के थ्रू बहते बहते बाहर निकलेगा, ऐसा ये आने वाला है उसमें। और एक और चीज़ आने वाली है ओशन अपडेट में, ये है कि आइसबर्ग्स आएंगे और शिप रैक्स आएंगे, यानी टूटे हुए जहाज़ मिलेंगे आपको ओशियंस के, डीप ओशियंस में। और आइसबर्ग जो रहते हैं बड़े बड़े, वो भी मिलेंगे आपको स्नो बायोम्स में। ओके, तो अब बात करते हैं जो लास्ट अपडेट माइनकॉन में बताई गई थी। शायद ये लास्ट नहीं, क्योंकि उसमें बोला गया था इसके बाद बहुत सारी आने वाली है, और यानी कि एक्वाटिक अपडेट में बहुत सारी है, पर ये है डॉल्फिन अपडेट। तो डॉल्फिन्स आने वाली है, मछली तो ऐड करी ही है उन्होंने, डॉल्फिन्स भी आने वाली है। अगर आप बोट चलाएंगे तो आपके आसपास आपको डॉल्फिन्स, जैसे जहाज़ कोई रहता है तो ओशंस में कैसे डॉल्फिन्स आपके जहाज़ के आगे आगे कूदती है, वैसे ही आपके आसपास रहेगी डॉल्फिन्स। और एक और चीज़ कि डॉल्फिन्स आपको खजाने की तरफ भी ले जा सकती है, ओशंस में जो खजाने रहते हैं अंडरनीथ, तो वो ऐसा उसमें बनाया गया है कि अगर वो डॉल्फिन्स आपको दिखती है तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको एक खजाने की तरफ ले जा सकती है, एक अंडर वाटर ट्रेजर की तरफ। ओके, तो ये बहुत शानदार अपडेट आने वाली है, और ये नहीं, काफ़ी और चीज़ें ऐड होगी इसमें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्नीक पीक है। उन्होंने बोला था माइनकॉन में कि ये कि जो अभी तक भी चीज़ें बताई हैं सिर्फ थोड़ा सा ही है, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो और एक क्या कहते हैं, ग्राफिक अपडेट भी आने वाली है इसकी बहुत अच्छी। आपका जो ग्राफिक्स इसमें है उसका लेवल अप होने वाला है माइनक्राफ्ट का, तो वो भी देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें आई हैं माइनकॉन अर्थ 2017 में। मैंने देखा, वोट करा मेरे फेवरेट मॉब के लिए और वो जीत गया फाइनली। अगर आपका इनमें चारों में से कोई फेवरेट मॉब था, अगर आप इसके लिए वोट कराए तो अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्ट नहीं आता, कोई बात नहीं, अगले साल हमें नया मॉब मिलेगा। इस साल नया आ रहा है माइंटरे, तो देखते हैं कैसे। और एक और चीज़ की मैंने बहुत दिन से अपलोड नहीं कराया, तो मैं जल्दी करने वाला हूँ मेरे मेन चैनल पे, मेरी मेन सीरीज़ जो माइनक्राफ्ट की है उसमें, तो सॉरी अबाउट दैट। और जल्दी ही माइनक्राफ्ट की वीडियोस आने वाली है, और मैं एक क्या कहते हैं, एक गिव अवे भी करने वाला हूँ इस मंथ, तो उसके लिए भी आप देखते रहिए। मैं एक वीडियो डालूंगा जिसके गिव अवे के बारे में कैसे आप उसमें भाग ले सकते हैं। तो अनटिल देन मिलते हैं आपसे अब अगले भाग में, देखते रहिए इंडिया गेमिंग मेरे साथ, और नई अपडेट आती है माइनक्राफ्ट की तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। तो अनटिल देन, बाय बाय एंड सी योर गाइस, स्टे फ्रॉस्टी, बाय।